myself Dr. Umang, and on this platform I am going to share my knowledge for IAS, PCS, HCS and HCS. और इसमें सबसे पहले पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ. इसकी हम लोग अप्रोच देखेंगे, यूजफुल देखेंगे. ठीक है, तो यूजफुलनेस की बात देखें पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की. आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं आपके, पीसीएस पंजाब सिविल सर्विसेज के एग्जाम में क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, एचएएस हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में मिलेंगे, एचसीएस हरियाणा सिविल सर्विस एंड एनी अदर स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम लाइक मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपी पीसीएस, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके अलावा सीडीएस, एनडीए, एसएससी. हिमाचल प्रदेश का अगर आप देखें तो एलाइड सर्विस का एग्जाम लाइक अभी जो इन्होंने रिसेंटली पोस्ट निकाली थी, नायब तहसीलदार, चाइल्ड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर और एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर्स, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर. तो वहां पे पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं. तो अगर हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए इनकी तैयारी करें, सिस्टमेटिकल वे से हैंडल करें, तो डेफिनेटली वी विल बी एबल टू क्रैक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन सेक्शन. पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप लोगों ने क्या चीजें फॉलो करनी है, इसके लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए. सिक्स टू ट्वेल्थ क्लास आप एनसीईआरटी सिविक्स पढ़ने शुरू कर दीजिए, दैट विल बी द बेसिक मटेरियल. इसके बाद आप मेरे लेक्चर्स यूट्यूब पे सुनिए, देखिए. आप चाहे तो कॉपी पेन लेके इसको नोट भी कर सकते हैं. लक्ष्मीकांत रेफरेंस बुक है. अगर आप ये स्लाइड्स डाउनलोड करना चाहते हैं, यू कैन विजिट अवर वेबसाइट www.gyandarpan-pcs.in. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट डायरेक्टली विद द पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन. पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को बेस्ट वे जो कवर करने का है, वी शुड कवर इट द वे अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन. तो पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो सबसे पहले मैं साइंस एंड सिंबल्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिस्कस करूंगा. कई बार हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, बट एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं इन टॉपिक से. इसके बाद आपका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा. देन प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इज जस्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. जैसे कि हर बुक में कोई शुरुआती चैप्टर हो, वैसे ही आपका जो संविधान की बुक है उसके शुरुआती चैप्टर को हम कहते हैं प्रीएम्बल. Then parts, 22 parts in number. Parts के अंदर chapters हैं, chapters में आगे articles mention है. Then in the end schedule. Schedule क्या है? ये index है constitution का, सूची जिसे आप हिंदी में कहते हैं. तो हम हर एक चीज आगे जाके discuss करेंगे. So science and symbols में हम देखें तो सबसे पहले we are going to start with national flag. National flag जो है आपका 22nd July 1947 को adopt करा था constituent assembly ने. एक तो ये अडॉप्शन की डेट याद रखनी है, क्योंकि देखिए जो स्टेट सर्विसेज के एग्जाम है, स्पेशली अगर हम हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या पंजाब सिविल सर्विस, हरियाणा सिविल सर्विसेज की बात करें, तो वहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं. तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो गोइंग टू कवर सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स. जो ये फ्लैग है 15 अगस्त 1947 को ऑफिशियल फ्लैग जो है हमने एक्सेप्ट करा था, इसकी लेंथ और विड्थ की रेशियो जो है 2:3 है. और इसके सेंटर में जो व्हील है, इसका जो डिजाइन है हमने सारनाथ लायन कैपिटल अशोका से लिया था. और धर्म चक्कर कहते हैं इस व्हील को. और इस है, इट हैज 24 स्पोक्स. अगर इंडियन फ्लैग का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हम देखें, 1904 से 1906 में ये एग्जिस्टेंस में आया था. उस टाइम सिस्टर निवेदिता, जो कि वन ऑफ द फेवरेट डिसिपल ऑफ स्वामी विवेकानंद थी, उन्होंने ये फ्लैग जो है उस टाइम डिजाइन करा था. और जो फ्लैग का उस टाइम कलर था, रेड एंड येलो था. रेड जो है उस टाइम सिग्निफाई कर रहा था फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, एंड येलो वाज ए सिंबल ऑफ विक्ट्री. और इसके ऊपर बंगाली में वंदे मातरम लिखा हुआ था. उसके बाद ये जो हमारा करंट डिजाइन है नेशनल फ्लैग का, ये 1931 में पिंगली वेंकैया ने डिजाइन करा था, बट उस टाइम इसमें
चरखा था, व्हील जो है नहीं था। नेक्स्ट, झंडे से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन जो है हमारे फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में आए थे, ठीक है। और जनरल पब्लिक को फ्लैग जो है डिस्प्ले करने की इजाजत जो है नवीन जंदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने दी थी। नेक्स्ट, अगर हम कलर्स का सिग्निफिकेंस देखें, सेफ्रन कलर क्या रिप्रेजेंट करता है? रिनंसिएशन, दैट मींस परित्याग की भावना, करेज, साहस, सेक्रीफाइस, बलिदान। व्हाइट कलर ये रिप्रेजेंट करता है पीस। ग्रीन, इट रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी, वाइब्रेंस, प्रोग्रेस, रिवॉल्यूशन, क्रांति। और इसके अंदर जो धर्म चक्र है 24 स्पोक्स, वो रिप्रेजेंट करते हैं 24 आवर्स इन ए डे, 24 आवर्स ऑफ ए डे। नेक्स्ट, जो फ्लैग है ये आपका खादी में बना होना चाहिए, और इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो है वो लेआउट करेगा। राइट टू मैन्युफैक्चर द फ्लैग इज हेल्ड बाय द खादी डेवलपमेंट एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन, KVIC, जो कि 1956 में डिजाइन करा गया था सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम। एज ऑफ 2009, कर्नाटका खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ हैज बीन द सोल मैन्युफैक्चरर ऑफ द फ्लैग। नेक्स्ट, नेशनल एंथम, जनगण मन, सबको पता होगा। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जनगण मन जो है पहली बार कोलकाता सेशन में 1911 में गाया गया था, और हमारे संविधान में इसके अडॉप्शन की डेट है 24 जन 1950। ओरिजिनली रविंद्रनाथ टैगोर ने ये जो नेशनल एंथम है हमारा बंगाली में लिखा था, ठीक है, और इसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो भी उन्होंने खुद करी थी। कौन सी बुक से लिया गया है? उनकी गोरा बुक से लिया गया है। एंड कंप्लीट सॉन्ग कंसिस्ट ऑफ 5 स्टैंजास। द प्लेइंग टाइम फॉर फुल वर्जन ऑफ द सॉन्ग इज 52 सेकेंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपने नेशनल एंथम के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर के प्रोफेशन की बात करें, उनके बारे में थोड़ा सा देखें, तो ही वॉज पोइट एज वेल एज पेंटर। ही वॉज ऑल्सो द फर्स्ट एशियन एज वेल एज इंडियन टू रिसीव नोबल प्राइज। नोबल प्राइज जो है उनको लिटरेचर की फील्ड में मिला था 1913 में, और गीतांजलि बुक के लिए मिला था, डेट वॉज द कलेक्शन ऑफ पोएम्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, और ये जो कंपोज करा था बंकिम चंद्र चटर्जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपने एग्जाम में देख लें। नेशनल सॉन्ग जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ बुक से लिया गया था। 1896 के सेशन में ये पहली बार गाया गया था कोलकाता में, और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है श्री अरबिंदु जी ने करी थी, और हमारे संविधान में इसके एडॉप्शन की डेट है 24 जन 1950। नेक्स्ट, नेशनल एम्बेलम। नेशनल एम्बेलम जो है सारनाथ लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका वहां से लिया गया है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और जो आपने ध्यान में रखने हैं, इसके ऊपर चार छोटे छोटे एनिमल्स बने हुए हैं जिसमें से हॉर्स एंड बुल जो है विजिबल है। ये देखिए, लेफ्ट हैंड साइड पे आपका हॉर्स है, राइट हैंड साइड पे बुल है। लॉयन एंड एलिफेंट दे आर नॉट विजिबल बिकॉज दे आर ऑन द बैक साइड। नेशनल एम्बेलम जो है हमने अडॉप्ट करा था 26 जैन 1950। इसके नीचे हिंदी में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि हमारी कंट्री का नेशनल मोटो है। कई बार एग्जाम में सोर्स पूछ लेगा सत्यमेव जयते का, मुंडका उपनिषद से लिया लिया गया है, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है हिंदी की, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल प्लेज। नेशनल प्लेज जो है इट वाज रिटन बाय तेलुगु राइटर पिद्दीमरी वेंकटा सुब्बा राव, और सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑन एजुकेशन दे हैव डायरेक्टेड दैट द प्लेज टू बी संग इन द स्कूल्स एंड दिस प्रैक्टिस टू बी इंट्रोड्यूस्ड बाय 26 जैन 1965। ये प्लेज क्या है ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। इंडिया इज माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, आई शेल ऑलवेज स्ट्राइव
to be worthy of it. I shall give respect to my parents, teachers, and all elders, and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. So nothing important from exam point of view, but still you can remember it. Next, national calendar. National calendar जो है ये हमारा साका इरा के ऊपर बेस्ड है और ये adoption की जो date है 22nd March 1957 इसमें जो हमारा first month या हम कह सकते हैं कि new year जो है हमारा यहाँ पे 74 से start होता है जबकि जो English calendar या Gregorian calendar है उसमें January से start होता है यहाँ पे first day है जो new year का it start from 22nd March और 21st मार्च डिपेंडिंग अपॉन लीप ईयर इसमें भी 365 और 366 डेज होंगे डिपेंडिंग अपॉन लीप ईयर और चैत्र हैज 30 डेज नॉर्मली एंड 31 डेज इन लीप ईयर दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट यहां से क्रॉस मैचिंग में क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि चैत्र मार्च को कहते हैं ठीक है फरवरी को फाल्गुन कहते हैं तो आपने ये थोड़ा सा याद रखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकता है आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से नेक्स्ट नेशनल मोटो सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम मुंडका उपनिषद ऑलरेडी मैंने बताया था सत्यमेव जयते ट्रुथ अलोन विंस एंड देवनागरी स्क्रिप्ट तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुंडका उपनिषद देवनागरी स्क्रिप्ट नेक्स्ट नेशनल बर्ड पीकॉक पिकॉक तो सबको पता है बट इसका जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दैट इज लैटिन नेम जियोलॉजिकल नेम सो इट इज पैवो क्रिस्टेटस इसके साथ साथ ये उड़ीसा का भी स्टेट बर्ड है ठीक है नेक्स्ट नेशनल फ्रूट मैंगो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैग्निफेरा इंडिका इसका बॉटनिकल नेम इट इज रिच इन विटामिन ए सी एंड डी और एंशियंट टाइम में कालिदास ने इसकी तारीफ करी है अलेक्जेंडर ने तारीफ करी है चाइनीज पिलग्रिम हुएनसेंग इन्होंने भी टेस्ट करके इसकी तारीफ करी थी नेक्स्ट नेशनल फ्लावर लोटस सबको पता है बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है निलंबो नुसिफरा दैट इज बॉटनिकल नेम एंड इट इज अ सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट नेशनल ट्री बनियन बरगद का पेड़ और इसका जो बॉटनिकल नेम है फाइकस बेंगोलेनिसिस नेक्स्ट इज नेशनल एनिमल एज यू नो इट इज टाइगर और इसका जियोलॉजिकल नेम और लैटिन नेम और साइंटिफिक नेम इज पैंथ्रा टाइग्रिस बट ये जो हमारा नेशनल एनिमल है 1973 में बना था क्योंकि इससे पहले हमारा नेशनल एनिमल लॉयन था बट 1973 में गवर्नमेंट ने टाइगर के सेंसिस करवाए और टाइगर का नंबर देखा कि कम होता जा रहा है तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट करा था तो आपने याद रखना है प्रोजेक्ट टाइगर कब से स्टार्ट हुआ था 1973 से नेक्स्ट नेशनल एक्वेटिक एनिमल डॉल्फिन प्लांटिस्टा गैंगस्टिका गंगा नदी में मिलती है इट प्यूरिफाई द वाटर ऑफ गंगा रिवर नेक्स्ट इज नेशनल रिवर सबको पता होगा आपको गंगा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया दो नदियों के मिलने से बनती है अलकनंदा एंड भागीरथी ज्योग्राफी पार्ट में हम कवर करेंगे एंड दे मीट विद ईच अदर एट देवप्रयाग उसके बाद जो कंबाइंड स्ट्रीम चलता है उसे हम गंगा कहते हैं नेक्स्ट नेशनल करेंसी INR इंडियन रुपीस ऑफिशियल करेंसी एंड आपको पता होगा कि करेंसी का जो कंट्रोल है ये RBI के पास है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और जो सिंबल आप देख रहे हैं डिजाइन दिस इज द सिंबल एंड देवनागरी कॉन्सोनेंट रो एंड लैटिन लेटर आर से जो है ये बनाया गया था 2010 में उदय कुमार धर्मलिंगम इन्होंने ये डिजाइन करा था ठीक है सो आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट इज नेशनल माइक्रो लैक्टोबैसिलस ये बैक्टीरिया का नाम है जो कि हमारा नेशनल माइक्रोब है और अक्टूबर 2012 में इसे हमने अडॉप्ट करा था एंड स्टेट जयंती नटराजन शी वाज इंडियाज मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट तो उस टाइम उनके कार्यकाल के समय ये अडॉप्ट करा गया था हैदराबाद में आपका कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11 हुआ था
आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, वहां पे अडॉप्ट करा गया था। ठीक है, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क जो आपने खुद सॉल्व करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके आंसर भी डिस्कस करूंगा। जब तक आप अपने जो आंसर्स हैं हमारे इस प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपका किसी भी पॉइंट में डाउट है तो फोन नंबर मैंने इनिशियली मेंशन करे थे, आप जब मर्जी हमारे से पूछ सकते हैं। व्हेन वाज द नेशनल फ्लैग अडॉप्टेड, आपको क्वेश्चन स्टडी करना है, थोड़ा सा गूगल सर्च करिए अगर नहीं मिलता आंसर। ठीक है, सेकेंड इज व्हेन वाज नेशनल कैलेंडर अडॉप्टेड, डिस्कस करा था हमने। हु कंपोज द सॉन्ग वंदे मातरम। फोर्थ क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फर्स्ट एंड लास्ट मंथ ऑफ इंडियन नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन साका इरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज सेम नेशनल एनिमल एज इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। इन विच ईयर वॉज रिवर गंगा डिक्लेयर्ड एज नेशनल रिवर। इन विच ईयर वॉज पीकॉक डिक्लेयर्ड एज नेशनल बर्ड। Which of the following is common between India and Vietnam? Which of the following countries have same national fruit? तो आप प्लीज तब तक इनके आंसर सॉल्व करिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनके आंसर डिस्कस करूंगा आपके साथ। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर लिसनिंग अस, एंड if you like our lecture, you can subscribe us, share. Thank you very much.